हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका सेंसेस ऑफ मेडिकल साइंस में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि हम सेरिबैलम के जितने भी अंदर कैसे फंक्शन होता है उसकी हम बात करने वाले हैं, तो वो हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से सेरिबैलम के अंदर फाइबर्स एंटर होते हैं, अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है सेरिबैलम के अंदर, उसका पूरा सर्किट हम पढ़ेंगे। तो हम सेरिबैलम के पूरा सर्किट की यहाँ पर बात करने वाले हैं डीप में। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे टाइम पर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने भी ये डॉक्टर नजीब सर के लेक्चर से ही पढ़ा था, और मैं आपको कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना अच्छे से इसको समझाने की। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मान लो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये हमारा सेरिबैलम है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये सबसे आउटर लेयर है सेरिबैलर कॉर्टेक्स की, ठीक है। और ये सेरिबेलर कोर्टेक्स ख़त्म हो रहा है और ये वाइट मैटर है, और वाइट मैटर के अंदर ही मैंने आपको बोला था कि कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। चार हमने टोटल पढ़े थे, तो ये हमारा डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई कोई भी हो सकता है, चारों में से कोई भी मान लो, न्यूक्लियस फेस्टिस या ग्लोबोस कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स आउटर वाला, और ये डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ये हमारा डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई, ठीक है, कोई भी हो सकता है, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियस है ये। अब जो हमारा सेरिबेलर कोर्टेक्स होता है वो फर्दर तीन तीन अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होता है। तीन हमारे पास लेयर होती हैं, तीन लेयर्स हैं। कौन कौन सी, याद करने का तरीका है, माय पर्सनल गार्डन। माय पर्सनल गार्डन से हम इसको याद करेंगे। माई पर्सनल गार्डन से हमको कौन कौन सा वर्ड उठाना है, एम पी एंड जी। एम मतलब होता है मोलिकुलर लेयर, ठीक है। पी मतलब है पुरकिंजे लेयर, पुरकिंजे सेल लेयर, और जी से हमारा मतलब है ग्रेनुलर लेयर। तो ये तीन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं सेरिबेलर कोर्टेक्स के अंदर, ठीक है। तो तीनों को एक बार मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मान लो कुछ इस तरह से तीन लेयर्स हैं, ठीक है, ये होगी और एक ये वाली होगी। तीन अलग अलग लेयर्स हैं हमारे सेरिबेलर कोर्टेक्स में। तो क्या होता है कि दो तरह के फाइबर्स आते हैं सेरिबेलम के अंदर, एक होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स और एक होते हैं मोजी फाइबर्स। दो तरह के फाइबर्स हैं, क्लाइंबिंग फाइबर्स एंड मोजी फाइबर्स। ध्यान से सुनना, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। क्लाइंबिंग फाइबर्स जो हैं वो आते हैं इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। उसके अलावा जो भी फाइबर्स एंटर कर रहे हैं सेरिबेलम में उन सबको हम मोजी फाइबर्स बोलते हैं। तो द फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस आर नोन एज द क्लाइंबिंग फाइबर्स एंड रेस्ट ऑल फाइबर्स आर नोन एज मोजी फाइबर्स। तो दो तरह के फाइबर्स मैंने बोले, उसी तरह मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो एक ये फाइबर्स आए ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर में है हमारे क्लाइंबिंग फाइबर्स, ब्लू कलर में आ रहा है क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है। और जो दूसरी तरफ जो आते हैं वो मैं बना रहा हूँ पिंक कलर से, दूसरी तरफ से बना रहा हूँ पिंक कलर में। ये कौन से हैं हमारे, ये हैं हमारे मोजी फाइबर्स। तो मोजी फाइबर्स जितने भी फाइबर्स एंटर कर रहे हैं सेरिबेलम में उन सबको मोजी फाइबर्स बोलते हैं, एक्सेप्ट वो जो इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आते हैं और जो सेरिबेलम एंटर करते हैं उनको हम क्लाइंबिंग फाइबर्स बोलते हैं, बस ये बात ध्यान रखना। बाकी सबको मोजी फाइबर्स की कैटेगरी में लिखेंगे। तो जो ये फाइबर्स आ रहे हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स और मोजी फाइबर्स, ये पहले ही डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करते हैं। पॉजिटिव का मतलब है स्टिमुलेट करेंगे, मतलब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे जिस वजह से डीप सेरिबेलर न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा। कौन सा होता है, यहाँ पे रिलीज होता है एस्पार्टेट। यहाँ पे क्या रिलीज होता है, एस्पार्टेट। इसी तरह से मोजी फाइबर्स भी आते वक्त डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करके जाते हैं, ठीक है। और ये क्या रिलीज करते हैं, ग्लूटामेट। तो दोनों के दोनों, ग्लूटामेट हो चाहे एस्पार्टेट हो, दोनों कैसे हैं, एक्साइटेटरी होते हैं ग्लूटामेट।
दोनों एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एस्पार्टेट भी और ग्लूटामेट भी। बस याद रखना कि क्लाइंबिंग फाइबर्स एस्पार्टेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं और मोजी फाइबर्स ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, और दोनों ही ऊपर जाने से पहले स्टिमुलेट कर देते हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। ठीक है, तो ये फाइबर्स एंटर कर रहे हैं, एफरेंट फाइबर्स हैं। ठीक है, अब ये फाइबर्स ऊपर की तरफ क्लाइंब करेंगे, ये क्लाइंबिंग फाइबर्स ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऊपर जाते जाते कहाँ पर जाके रुकते हैं, मोलिकुलर लेयर में। मॉलिक्यूलर लेयर में जाके एंड करते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर्स सबसे ऊपर तक क्लाइंब करते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, मॉलिक्यूलर लेयर, तो मॉलिक्यूलर लेयर तक जाते हैं, जबकि मोजी फाइबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैनुलर लेयर तक ही जाते हैं। मोजी फाइबर्स कहाँ एंड करते हैं, ग्रैनुलर लेयर में, लेकिन पुरकिंजे कह रहा हूँ, क्लाइंबिंग फाइबर्स मॉलिक्यूलर लेयर तक जाते हैं। अब जो पुरकिंजे सेल लेयर है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पुरकिंजे सेल्स। तो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पुरकिंजे सेल, ठीक है, ये हो गया सेल बॉडी, ये ऊपर की तरफ इसके डेंड्राइट जाते हैं मोलिकुलर लेयर में। ठीक है, तो ये है हमारा पुरकिंजे सेल, मैं लिख रहा हूँ पीसी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ पीसी का मतलब है पुरकिंजे सेल। ठीक है, पीसी मतलब है पुरकिंजे सेल। तो ये पुरकिंजे सेल है, और इसका एक्सोन आता है नीचे, नीचे आता है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई तक। ठीक है, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई तक, और यहाँ पे क्या रिलीज़ करता है, ये यहाँ पे रिलीज़ करता है गाबा, ये इसको यहाँ पे इनिबिट करता है, क्या रिलीज़ करता है, गाबा। तो याद रखना पुरकिंजे सेल क्या रिलीज़ करते हैं, गाबा रिलीज़ करते हैं, और गाबा एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इनिबिट करता है। तो आते वक्त तो इन दोनों ने स्टिमुलेट कर दिया, लेकिन पुरकिंजे सेल जो है वो इसको इनिबिट कर देंगे। अब पुरकिंजे सेल इनिबिट तो करेंगे, लेकिन पहले पुरकिंजे सेल खुद तो स्टिमुलेट हो जाए, तो इनको कौन स्टिमुलेट करता है, तो उसको पहले हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा क्लाइंबिंग फाइबर्स थे, ये ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके स्टिमुलेट कर देते हैं किसको, हमारे पुरकिंजे सेल के डेंड्राइट्स को। तो पुरकिंजे सेल के डेंड्राइट्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स की मदद से, जिस वजह से पुरकिंजे सेल स्टिमुलेट हो जाता है, और पुरकिंजे सेल आगे जाके इनिबिट कर देता है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। तो एक बात ध्यान रखना, एक और बात मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितने भी फाइबर एंटर करते हैं ना इसमें सेरिबेलम में, जितने भी एफरेंट फाइबर्स होंगे, सब के सब एक्साइटेटरी होते हैं, सब के सब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज करेंगे जितने भी फाइबर अंदर घुस रहे हैं। देखो क्लाइंबिंग फाइबर्स ने स्टिमुलेट किया, तो मतलब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, कौन सा किया, एस्पार्टेट किया, जिसने स्टिमुलेट कर दिया पुरकिंजे सेल को, और पुरकिंजे सेल आगे जाके इनिबिट करेगा, वो अलग बात है। इतना याद रखो कि इसने इसको स्टिमुलेट किया। उसके अलावा यहाँ पे इसी तरह से और भी प्रेजेंट होंगे, जैसे एक पुरकिंजे सेल था, मैं और पुरकिंजे सेल बना देता हूँ, और भी होंगे, इधर भी हो सकता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पुरकिंजे सेल होते हैं, तो ये सारे पुरकिंजे सेल है रेड कलर में। तो जो एक क्लाइंबिंग फाइबर है वो किसी एक ही पुरकिंजे सेल को स्टिमुलेट करता है, ये क्लाइंबिंग फाइबर इन दोनों को स्टिमुलेट नहीं करेगा, सिर्फ एक पुरकिंजे सेल को करेगा, वो इसने कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगली लेयर पे, ग्रैनुलर लेयर पे अब आते हैं। ग्रैनुलर लेयर में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, ग्रैनुलर सेल्स। ग्रैनुलर लेयर में कौन से सेल्स प्रेजेंट है, ग्रैनुलर सेल्स। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ग्रैनुलर सेल, ये हो गया जी सी। जी सी का मतलब है यहाँ पे ग्रैन्यूल सेल, सॉरी ग्रैन्यूल सेल बोलते हैं इनको, ग्रैनुलर नहीं, ग्रैन्यूल सेल। तो जी सी का मतलब है यहाँ पे ग्रैन्यूल सेल, ठीक है, जी सी। तो ये ग्रैन्यूल सेल प्रेजेंट है, इस वजह से इस लेयर का नाम है ग्रैनुलर लेयर। ठीक है, अब ये ग्रैनुलर सेल, ग्रैन्यूल सेल्स जो हैं, इनको कौन स्टिमुलेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है मोजी फाइबर्स। ये मोजी फाइबर्स हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं किसको, प्लस साइन बना देते हैं यहाँ पे, ये स्टिमुलेट कर देते हैं ग्रैनुलर सेल्स को, ग्रैन्यूल सेल्स को। ठीक है, अब ये जो ग्रैन्यूल सेल्स थे उसकी सेल बॉडी तो यहाँ है, इसके एक्सोन्स जाते हैं ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये इस तरह से फैल जाते हैं, और फैल के क्या बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल फाइबर्स बोलते हैं। तो ये जो बना है इसको हम बोलते हैं पैरेलल फाइबर्स। तो पैरेलल फाइबर्स किसके हैं, ये ग्रैन्यूल सेल्स के। ग्रैन्यूल सेल के एक्सोन्स ऊपर गए, ऊपर जाके डिवाइड कर गए, और क्या बनाया, पैरेलल फाइबर्स। इस तरह से पैरेलल चलते रहते हैं फाइबर्स। ठीक है, अब ये चलते हैं तो क्या करते हैं, ये चलते वक्त जो है कुछ सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन अभी उन सेल्स की बात करने से पहले
जिस तरह ये एक ग्रेन्यूल सेल था उसी तरह एक और यहाँ भी बना देते हैं, ये भी ऊपर जाके इसी तरह से पैरेलल फाइबर्स देगा, ठीक है, इसके भी पैरेलल फाइबर्स जाएंगे। अब जो ग्रेनुलर लेयर है उसमें एक तो ग्रेन्यूल सेल प्रेजेंट था, इसके अलावा एक और सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से, गोल्गी सेल्स। तो मैं ऑरेंज कलर से एक और सेल बनाने जा रहा हूँ, ये वाले सेल, ये है हमारे गोल्जी सेल, ठीक है, ये हमारा गोल्जी सेल है। अभी जो गोल्जी सेल है इसको कौन स्टिमुलेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है हमारा क्लाइंबिंग जो पैरेलल फाइबर्स थे। ये गोल्जी सेल जो है ये ऊपर जा रहे हैं, इसके एक्सोन ऊपर गए, यहाँ पे ऊपर चले गए, ठीक है। अब जो ये ग्रीन जो फाइबर्स थे, ग्रीन फाइबर्स पैरेलल फाइबर्स थे, किसके थे, ग्रेन्यूल सेल के, ये जो है ये स्टिमुलेट कर देते हैं इसको, गोल्जी सेल को स्टिमुलेट कर दिया इन्होंने, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, ये स्टिमुलेट कर दिया इसको गोल्जी सेल को, किसने स्टिमुलेट किया गोल्जी सेल को, ग्रेन्यूल सेल के पैरेलल फाइबर्स ने। अब ये गोल्जी सेल स्टिमुलेट तो हो गया लेकिन ये इसको धोखा दे देता है, ग्रेन्यूल सेल को धोखा दे देता है, किस तरह से, ये ग्रेन्यूल सेल को ही इनिबिट कर देता है, मतलब कि ये गोल्जी सेल है ये इनिबिट कर देगा ग्रेन्यूल सेल को, ठीक है। क्यों इनिबिट करता है, इसका भी एक रीज़न होता है। अब मान लो ये जो ग्रेन्यूल सेल्स हैं ये तो बहुत सारी चीज़ों को स्टिमुलेट करने वाले हैं, उनकी मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा ओवर एक्टिविटी ना हो इस वजह से गोल्जी सेल इसको इनिबिट कर देता है, जितनी चाहिए उतनी एक्टिविटी ही करने देगा। तो गोल्जी सेल इनिबिट करता है किसको, ग्रेन्यूल सेल को। अब ग्रेन्यूल सेल के पैरेलल फाइबर्स थे, उन्होंने गोल्गी सेल को स्टिमुलेट किया। उसके अलावा ये पैरेलल फाइबर्स दो और तरह के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, अब दो सेल्स और बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक होते हैं स्टेलेट सेल्स और एक होते हैं बास्केट सेल्स। तो एक मैं बना रहा हूँ स्टार शेप में और एक मैं बना रहा हूँ बास्केट की शेप में, ठीक है। जो स्टार शेप्ड है, स्टार शेप्ड है, ये है हमारे स्टेलेट सेल और ये है हमारे बास्केट सेल्स। दो तरह के सेल्स और प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेलेट सेल और बास्केट सेल, मोलिकुलर लेयर में। तो मोलिकुलर लेयर में कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, स्टेलेट और बास्केट, पुरकिंजे लेयर में पुरकिंजे सेल, ग्रेन्यूलर लेयर में ग्रेन्यूल सेल्स और गोल्गी सेल्स, ठीक है, इस तरह से हमने पढ़े हैं अब तक। अब जो पैरेलल फाइबर्स थे वो इनको स्टिमुलेट करते हैं, स्टेलेट सेल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे, उसके अलावा बास्केट सेल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे, कौन, पैरेलल फाइबर्स ऑफ द ग्रेन्यूल सेल्स। अभी तक आपको समझ, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, मुझे लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा होगा। ये क्लाइंबिंग फाइबर्स आए एक तरफ से, मोजी फाइबर्स आए, क्लाइंबिंग फाइबर्स ने पुरकिंजे सेल को स्टिमुलेट कर दिया, मोजी फाइबर्स ने ग्रेन्यूल सेल को स्टिमुलेट कर दिया। अब ग्रेन्यूल सेल के पैरेलल फाइबर्स बने, ऊपर जाके मोलिकुलर लेयर में पैरेलल फाइबर्स बन गए। अब ये पैरेलल फाइबर्स ने स्टिमुलेट किया बास्केट सेल और स्टेलेट सेल्स को और उसके अलावा गोल्गी सेल्स को भी, लेकिन गोल्गी सेल्स ने ग्रेन्यूल सेल को धोखा दे दिया और उनको इनहिबिट कर दिया, इतना हमने पढ़ा है। लेकिन जो पैरेलल फाइबर्स थे उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया था किसको, स्टेलेट और बास्केट सेल्स को। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये मेन बात है, जो स्टेलेट और बास्केट सेल हैं ये बचे हुए पुरकिंजे को इनहिबिट कर देती हैं, मतलब जो पुरकिंजे काम का नहीं है। अब ये वाला पुरकिंजे था इसको तो क्लाइंबिंग फाइबर ने स्टिमुलेट कर दिया, और मैंने बोला क्लाइंबिंग फाइबर, एक क्लाइंबिंग फाइबर एक ही पुरकिंजे सेल को स्टिमुलेट करेगा, तो ये बीच वाला तो स्टिमुलेट हो गया, लेकिन बचे हुए दोनों पुरकिंजे अभी स्टिमुलेट नहीं हुए हैं, तो इनका कोई काम ही नहीं है, फालतू के पड़े हैं, तो इनको इनहिबिट कर देते हैं बास्केट सेल और स्टिलेट सेल, ताकि किसी एक पुरकिंजे सेल का जो वर्क है वो फोकस हो जाए अच्छे से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बास्केट सेल्स एंड स्टेलेट सेल्स इनिबिट द नेबरिंग पुरकिंजे सेल्स, ठीक है, ये था बास्केट और स्टेलेट सेल्स का काम। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पुरकिंजे सेल आगे जाके डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इनिबिट कर देते हैं, और डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो है आगे जाके आउटपुट दे देता है, ये आगे जाके क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेरिबेलम फंक्शन करता है। अब इसमें आप ध्यान दो तो हमने कितने तरह के सेल्स पढ़े हैं, हमने पहले पढ़ा पुरकिंजे सेल, इसमें हमने पढ़ा ग्रेन्यूल सेल, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा गोल्गी सेल, इसमें हमने पढ़ा बास्केट सेल और इसमें हमने पढ़ा स्टेलेट सेल, ये हमने टोटल सेल्स पढ़े पांच तरह के। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्यूल सेल जो हैं ये होते हैं स्टिमुलेटरी, बाकी सब इनिबिटरी होते हैं, ध्यान दोगे तो आप। बास्केट सेल और स्टेलेट सेल ने पुरकिंजे सेल को इनिबिट किया तो इनिबिटरी हो गए, गोल्गी सेल्स ने ग्रेन्यूल सेल को इनिबिट किया तो ये भी इनिबिटरी हो गए,
पुरकिंजे सेल ने डीप सेरिबुलर न्यूक्लियाई को इनिबिट किया, तो ये भी इनिबिटरी हो गए। तो इस तरह से चारों सेल इनिबिटरी हैं, सिर्फ ग्रेन्यूल सेल हैं जिसके पैरेलल फाइबर स्टिमुलेट करते हैं गोल्गी सेल को भी, बास्केट सेल्स को भी और स्टेलेट सेल्स को भी। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्यूल सेल्स यहाँ पे स्टिमुलेटरी होते हैं, बाकी सब इनिबिटरी, मतलब वो गाबा रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। तो अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। मैंने बोला था पुरकिंजे सेल, तो पुरकिंजे सेल की क्या हमने थ्योरी पढ़नी है कि इट गेट स्टिमुलेटेड बाय द क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। पता है मेन आउटपुट ऑफ दिस सेल इज टू सेरिबेलर न्यूक्लियाई एंड इज इनहिबिटरी इन नेचर, ये भी मैंने बता दिया। इनर ग्रेन्युलर लेयर कंटेन्स ग्रेन्यूल सेल, ग्रेन्युलर लेयर में क्या था, ग्रेन्यूल सेल था। अब ग्रेन्यूल सेल रिसीव्स इनपुट फ्रॉम मोजी फाइबर्स, पढ़ लिया, एंड सेंड द इफरेंट टू द पुरकिंजे सेल। देखो ना, ग्रेन्यूल सेल था, इसने इफरेंट किसको दिया, इसने इफरेंट आगे जाके किसको दिया, पुरकिंजे सेल को, किसके थ्रू, स्टेलेट और बास्केट सेल्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये खुद भी स्टिमुलेट कर देते हैं पुरकिंजे सेल को, ठीक है। तो एक्सोन्स ऑफ द ग्रेन्यूल सेल्स फॉर्म पैरेलल फाइबर्स, देखो ना ये लिखा हुआ है सेंड इफरेंट, ये वाली लाइन में भूल गया था, सेंड इफरेंट टू पुरकिंजे सेल वाया द पैरेलल फाइबर्स के थ्रू, इफरेंट दे दिया पुरकिंजे सेल को। एक्सोन्स ऑफ द ग्रेन्यूल सेल्स फॉर्म द पैरेलल फाइबर्स, ये हमें पता है। ग्रेन्युलर लेयर ऑल्सो कंटेन्स गोल्जी सेल्स विच आर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स, इनहिबिटरी तो है ही, हमें ये भी पता है। ऑल फाइबर्स एंटरिंग इन टू द सेरिबेलम आर एक्साइटेटरी, जितने भी एंटर कर रहे हैं वो सब एक्साइटेटरी हैं, चाहे क्लाइंबिंग हो चाहे मोजी हो, दोनों एक्साइटेटरी होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो तीन लेयर हमने पढ़ी, मोलिकुलर लेयर में बास्केट सेल और स्टेलेट सेल, पुरकिंजे में पुरकिंजे सेल, ग्रेन्युलर में ग्रेन्यूल सेल्स एंड गोल्जी सेल्स। ओनली ग्रेन्यूल सेल्स आर एक्साइटेटरी, रेस्ट न्यूरोन्स आर इनिबिटरी, मतलब पुरकिंजे बास्केट स्टेलेट गोल्गी सारे इनिबिटरी थे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्यूल सेल ही एक्साइटेटरी थे। उसके अलावा वन क्लाइंबिंग फाइबर इनर्वेट ओनली वन पुरकिंजे सेल, एक क्लाइंबिंग फाइबर ने सिर्फ एक ही पुरकिंजे को स्टिमुलेट किया, जबकि एक मोजी फाइबर्स बहुत सारे ग्रेन्यूल सेल को स्टिमुलेट कर सकता है, और एक ग्रेन्यूल सेल बहुत सारे पुरकिंजे सेल से भी कनेक्ट हो सकता है पैरेलल फाइबर्स के थ्रू। वन पुरकिंजे कनेक्ट्स विद मैनी ग्रेन्यूल सेल, ये भी मैंने बता दिया। एक पुरकिंजे एक क्लाइंबिंग से कनेक्ट होगा, लेकिन एक पुरकिंजे बहुत सारे ग्रेन्यूल सेल से जरूर कनेक्ट हो सकता है। बास्केट सेल्स इनिबिट द बॉडी ऑफ पुरकिंजे सेल्स, ये भी हमने पढ़ लिया, इस बात का यहाँ ध्यान देना। जो बास्केट सेल्स हैं ये इनिबिट करते हैं किसको, ये इनिबिट करते हैं बॉडी को, बास्केट सेल्स इनिबिट करते हैं बॉडी ऑफ द पुरकिंजे सेल को, और जो स्टेलेट सेल हैं ये इनिबिट करते हैं डेंड्राइट्स ऑफ द पुरकिंजे सेल को। तो स्टेलेट सेल डेंड्राइट्स को इनिबिट कर रहे हैं, और बास्केट सेल बॉडी को इनिबिट कर रहे हैं पुरकिंजे सेल की। तो बी फॉर बास्केट, बी फॉर बॉडी ऑफ द पुरकिंजे, याद रख लेना। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, अब सेरिबेलम की ब्लड सप्लाई, सेरिबेलम की तो तीन अलग अलग आर्टरीज याद रखनी है, दो तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी हैं, दो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हैं, और दो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हैं। तो ब्लड सप्लाई और ब्रेन में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी मैं बता दूं सेरिबेलम में तीन मेन आर्टरी सप्लाई करती हैं, सुपीरियर सेरिबेलर हैं दो, दो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर और दो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर। सुपीरियर सेरिबेलर किसकी ब्रांच है, बेसिलर आर्टरी की। एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर किसकी ब्रांच है, ये भी बेसिलर की, लेकिन जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर है ये ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी की, ये बात ध्यान रखना। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, और बाकी दोनों सुपीरियर और एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर ये ब्रांच है बेसिलर आर्टरी की। तो इस तरह से हमारा सेरिबेलम आज एंड होता है। इसके अलावा इसके डायग्राम्स के ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो, जितनी भी सेरिबेलम की वीडियोज़ हैं वो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू।